अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ठंडी हवाओं, सुरमई शामों, लजीज रिवायती खानों के शहर हैदराबाद से मैं हूं असद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं दरगाह सरफराज बाबा कलोलो शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे। आज है 19 सफर, कल जो है 20 सफर को हजरत इमाम हुसैन का चहलम पूरी दुनिया में, पाकिस्तान भर में और दुनिया में अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। और उसी दिन यानी 20 सफर को ही हैदराबाद में इस दरगाह पे, दरगाह सरफराज कलोड़ो शहीद पर एक बहुत कदीम और तारीखी रस्म अदा की जाती है, पल्लू भराई या पल्ले भराई। पहले इसको पल्लू भराई कहा जाता था, लेकिन बाद में इसको बिगड़ बिगड़ के ये पल्ले भराई हो गया। इसका मकसद ये है कि यहाँ पे खवातीन अपनी मन्नतें मुरादें मानने आती हैं, मगर एक गलतफहमी जो मैं है वो आवाम में, वो मैं दूर करना चाहता हूँ पूरे हैदराबाद में। और जो लोग नहीं जानते या वो समझते हैं कि पल्ले भराई की रस्म जो है वो सरफराज बाबा की दरगाह पे अदा की जाती है, मगर ये ऐसा नहीं है। ये पीछे यहाँ पे सरफराज बाबा की अहलिया जान बीबी बेगम का मज़ार है, उस पे जाके ये रस्म अदा की जाती है। उसकी वजह यह है कि जब 1775 में मियाँ सरफराज कलोड़ो को उनके चचा मियाँ अब्दुल नबी कलोड़ो ने शहीद कर दिया, तो उसके बाद ये पूरा इलाका जिसको आज सरफराज कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, तो ये यहाँ पे मज़ार बनवाने के लिए उनकी अहलिया जान बीबी ने तालपुर हुक्मरान मीर फतेह अली तालपुर से ख़रीदा पैसे देके, और इस पूरे इलाके को मज़ार के लिए वक्फ किया ट्रस्ट के लिए, जो पाकिस्तान बनने तक मज़ार की मिल्कियत था, मगर पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ लोग आबाद हो गए और इस पूरे इलाके को सरफराज कॉलोनी का नाम दे दिया गया। तो यहाँ पे करीबी रोड क्रॉस करके तकरीबन 200 गज के फासले पर सरफराज बाबा की अहलिया जान बीबी, जिनकी यहाँ पल्ले भराई की रस्म अदा की जाती है, उन्होंने अपनी एक मशहूर और मरूफ हवेली कायम की थी, जिसमें वो अपनी वफात 1790 तक रिहाइश पजीर रही, और आज तक उस हवेली में उनका खानदान रिहाइश पजीर है। तो जब वो जान बीबी यहाँ पे रिहाइश पजीर थी, तो खवातीन क्योंकि कलहोड़ा खानदान का एक पीरी मुरीदी का एक बड़ा एक सिलसिला था, और उनको हैदराबाद में और सिंध में एक बड़े जो है वो बुजुर्ग के तौर पे जाना जाता था, तो खवातीन यहाँ पे अपनी मन्नतें वगैरह मानने आया करती थी। तो वो जान बीबी जो है वो उनके पल्लू में, यानी पल्लू कहते हैं औरत के दुपट्टे को या दामन को, उसमें कोई मीठी चीज या कोई सिक्के या जो भी उनके हाथ में चीज आती थी वो डाल दिया करती थी। तो उनकी वफात जब हुई 1790 में, तो उसके बाद वो पल्ले भराई की रस्म के नाम से यहाँ पे वो सिलसिला आज तक जारी है, जिससे लोगों को फैज मिलता है। तो आज मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, शायद आज से पहले ये वीडियो पल्ले भराई की दरगाह के अंदर खवातीन के दरमियान किसी ने शूट नहीं की। ये मैं दरगाह के सज्जादा नशीन मियाँ वली मोहम्मद अब्बासी का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो मुझे मौका फराहम किया है। तो आपको मैं मजीद दिखाता हूँ, और जो बाहर का यहाँ इर्द गिर्द का माहौल है वो भी दिखाता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह सरफराज बाबा के बाहर मेन रोड पर। ये आपको जहाँ ये लाइट जलती हुई नज़र आ रही है, ये दाखिले का मरकजी दरवाज़ा है, ये मस्जिद है, और इसके अंदर ये यहाँ से नज़र आ रहा होगा शायद आपको गुम्बद ऊपर, ये सरफराज बाबा का मज़ार है। ये मेन गेट है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त यहाँ लाइटिंग का इंतज़ाम है, जिसकी रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है इसको शूट करने में। ये मेन गेट है, अंदर चलते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के यहाँ से इंतज़ाम शुरू कर दिए गए हैं इंतज़ामिया की तरफ से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस यहाँ मौजूद है, इसी तरह मुमकिन है कि अंदर भी मौजूद हो। देख ये आप देख सकते हैं किस कदर रश है यहाँ पे, अभी सिर्फ ये शुरुआत है। ये आप देख सकते हैं मेन गेट पे बाकायदा प्रॉपर सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, यहाँ पे पुलिस मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, मर्दों का दाखिला यहाँ पे आज बंद है, पुलिस मौजूद है, सिर्फ खवातीन को एंट्री है, साथ में ये रजाकार भी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए पुलिस प्रॉपर यहाँ मौजूद है,
और सिर्फ खवातीन को एंट्री है, यहाँ पे मर्दों का दाखिला आज बंद है। आप रजाकार हो यहाँ के? ठीक है, ये रजाकार हैं, यहाँ के मौजूद हैं ये। बाकी ये आप देख सकते हैं अंदर जो एंट्री है सिर्फ खवातीन को है, ये देख सकते हैं। ठीक है, चलो आप जिनकी यहाँ पे मन्नतें पूरी हुई हैं वो आके यहाँ पे नजर न्याज तकसीम कर रही हैं खवातीन, और ये आप देखते हैं। और जो मन्नत मानने आई हैं वो यहाँ किस तरह इसको ले रही हैं ताकि अगले साल इनकी पूरी होगी तो ये भी आके इसी तरह यहाँ पे बांटेंगी। ये आपको नजर आ रहा है मियां सरफराज कलोड़ो शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का गुंबद, और ये उनका दरबार की मरकजी इमारत। यहाँ आज पल्लू भराई या पल्ले भराई की रस्म जो भी अदा की जाती है, खवातीन का यहाँ आप जोग दर्दो जोग रश्ट देख सकते हैं। ये अभी इब्तिदा है, असल में जैसा मैंने आपको बताया कि ये रस्म और ये सब कुछ अदा किया जाएगा कल हजरत इमाम हुसैन के चहलम वाले दिन, मगर आज से ही यहाँ पे ये रश की आप आलम देख सकते हैं। और मैं खुशनसीब हूँ जो मैंने बाकायदा ये मंजर अंदर के खवातीन के शायद आज तक फिल्माए नहीं गए हैं। ये मेरे को यहाँ पे दरगाह की सज्जादा नशीन मियाँ वली मोहम्मद अब्बासी साहब ने खसूसी तौर पे इजाज़त दी है, जिसकी वजह से मैं ये आपको दिखाने के काबिल हुआ हूँ। मेन मजार के अहाते के बाहर का मंजर है, यानी कि ये भी मजार में शुमार है मगर ये मजार के बाहर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ इस वक्त भी पांव रखने की जगह नहीं है, इस कदर खवातीन यहाँ मौजूद हैं, ये देख सकते। और ये अभी शुरुआत है, सुबह जब यहाँ पे असल जो है रस्म शुरू की जाएगी तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे कितनी यहाँ पे खवातीन होती हैं। इस अबे मेरे को लग रहा है दरगाह में तेरे अलावा कोई है ही नहीं पूरी दरगाह। चलो ऐसे चलो चलो ये क्या है अम्मा, क्या है ये क्या है ये हाथ में बांधने के? अच्छा अच्छा ठीक है। कब से ये आप देख सकते हैं, ये सरफराज रोड से यानी कि मेन रोड से अंदर आने का मरकजी दरवाजा है। मैं इस वक्त अंदर आके इहाते में खड़ा हूँ और ये खवातीन आ रही हैं। ये आने वाले खवातीन का आप रश देख सकते हैं कि ये इनके शाने से शाना मिला हुआ है, खवे से खवा। और ये जाने वाला साइड है ये खाली पड़ा है, आप देखें सिर्फ आ रही हैं खवातीन यहाँ पे, ये देख सकते हैं। अरसा तकरीबन 4 या 5 साल से ये एक मुतवातर रस्म चली आ रही है कि सरफराज बाबा की दरगाह पे पल्ले भराई की रस्म का बाकायदा इफ्तिताह और दुआया तकरीब का एहतमाम जो किया जाता है उसकी सरबराही सेनेटर आजिज़ धामरा साहब करते हैं। ये आपके सामने हैं सेनेटर आजिज़ धामरा साहब। सेनेटर आजिज़ धामरा के बारे में ये मशहूर है और खल्के खुदा भी यही कहती है कि इनको औलिया अल्लाह से और बुजुर्गान दीन से बड़ा लगाव है और ऐसी तकरीबात में ये ख़ास तौर पे शिरकत करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये पहुंच गए हैं यहाँ पे इहाते में, और अब जो ये मियां सरफराज कलोड़ो की दरगाह का दरवाज़ा है अब ये खोला जाएगा और इसके बाद इसके अंदर दुआ की जाएगी और उसके बाद इस दरगाह को आम आवाम के लिए खोला जाएगा। ये आवाम देख सकते हैं, आप यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ पे मियाँ सरफराज कलोड़ो की कब्र मुबारक पर गुलपाशी की जा रही है, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, ये कब्र पे दुआ की गई है, फातिहा ख्वानी की गई है
और यहाँ पर ये अब बाकायदा दुआ की जाएगी और उसके बाद यहाँ पे पल्ले भराई या पल्लू भराई की तकरीबात का रस्म का आगाज़ किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं दुआ की जा रही है यहाँ पे सज्जादा नशीन वली मोहम्मद अब्बासी साहब और उनके बड़े भाइयाँ मौजूद हैं। तो ये दुआ कर ली गई है और अब कुछ ही देर में यहाँ पे इस जगह को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ये हैदराबाद की हर दिल अजीज़ शख्सियत सेनेटर आजिज धामरा साहब ये आपके सामने हैं और इन्होंने दुआया तकरीब का और रसूमात का इफ्तिताह किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं तमाम मेले से मदन को और तमाम सिंध के रहने वालों को, रियल नेम संजीदा जई, जो इनकी मशहूर शख्सियत है, इनको ज़माना जानता है, लेकिन बहुत सरपास पे 40 साल हो गए, आज वो गद्दी नशीन है और वो फैज़ देती चले आ रही हैं। माशाल्लाह मेरे सबसे ज़्यादा 5 लाख मुरीद हैं यहाँ पर 20 साल के अंदर, और हिंगरोजा दादू सबसे हो गए साहिवाल इतना है कि आज मुझे यहाँ पर निगरान बना दिया गया है। और बाबा सरफराज पे ये जो आते हैं मन्नत उतारने के लिए पूरी होती है और एक जिंदा वली हैं, और मेरी ये है कि आएँ और फौरन चले जाएँ। ये सिंध का वो मज़ार है जो जिंदा करामत है, ये हमने खुद देखा कि आप ये आज आपको बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव वीडियो मिल रही है। पल्लू भराई के दिन या पल्ले भराई के दिन यहाँ पे आज तक कभी कोई वीडियो नहीं बनाई गई। ये आप देख सकते हैं सामने मियां सरफराज कलहोड़ो शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तुर्बत मुबारक, और ये इनके साथ ये मियां मोहम्मद खान, ये मियां सरफराज के भाई हैं, ये इनकी तुर्बत है। ये यहाँ पे मियाँ मीर मोहम्मद साहब की कब्र मुबारक है। ये मियाँ सरफराज के साहबजादे हैं। मियाँ सरफराज के दो साहबजादे थे, एक मियाँ मीर मोहम्मद और एक मियाँ फजल मोहम्मद। फजल मोहम्मद की कब्र जो है वो मियाँ गुलाम शाह कलोड़ों के मज़ार के अंदर है, उनकी कब्र के साथ ही, और दूसरे साहबजादे की कब्र ये है। तो यहाँ मैं आपको अंदर का दिखाऊं, ये सारी इस मज़ार की पूरी तफसीली वीडियो में बना के आपको दिखा चुका हूँ। इसका थंबनेल आपको नज़र आ रहा है, लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। आज मैं सिर्फ यहाँ पे पल्लू भराई या पल्ले भराई को शूट करने आया हूँ मियाँ वली मोहम्मद अब्बासी की इजाज़त के साथ। यहाँ ख़वातीन का रश है, बस यहाँ से हम वापस चलते हैं आगे। ये सरफराज बाबा के मज़ार का मेन दरवाज़ा है और इसके बैक साइड पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे असल में मज़ार है सरफराज बाबा की अहलिया जान बीबी का, जहाँ पे असल में पल्ले भराई की रस्म अदा की जाती है। ये देख सकते हैं आप, कुछ नियाज अच्छा दे दे के सिक्के बोले तो सही। अच्छा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे खवातीन ने दिए वगैरह जलाए हुए हैं, ये देखें बहुत खूबसूरत मंजर, ये देख सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं ये फ्रंट मंजर है मियां सरफराज कलोड़ो बाबा की एलिया जान बीबी के मज़ार का, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे जोक दर जोक ख़वातीन लाइन से खड़ी हैं, अंदर जा रही हैं, बीवी के मज़ार की ज़ियारत कर रही हैं, उस पर फातिहा ख्वानी करती हैं और वापस आके अपनी मन्नत मुरादे मान के और यहाँ से चली जाती हैं अल्लाह से उम्मीद लगा के। ये देख सकते हैं, चलो आ जाओ। ये
तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मियां वली मोहम्मद अब्बासी साहब और एक दीगर बुजुर्ग यहाँ पे जो मसाइल लेके आ रही हैं ख्वातीन उनके हल के रूहानी हल के लिए पानी वगैरह पढ़ के दे रहे हैं कुरानी आयात वगैरह, और इनसे बहुत ज़्यादा ये मालूमात मिली है कि यहाँ से मसाइल हल होते हैं आवाम के। तो चलते ये जो आपको अकब में बड़ी बिल्डिंग और गुंबद नज़र आ रहा है ये है असल दरगाह सरफराज बाबा। उसकी बैक साइड पर ये एक छोटा मज़ार है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ख़वातीन का बे इंतहा रश, पल्ले भराई की रस्म। यहाँ सरफराज कलोड़ो बाबा रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया के मज़ार पे अदा की जाती है। इस छोटे से दरवाजे के अंदर सरफराज बाबा की अहलिया की कब्र है, जिस पर ये ख़वातीन का आप जोक दर जोक रश देख रहे हैं। यहाँ अपनी मन्नत और मुरादों के लिए आते हैं। यहाँ पे हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर हमारे को मुलाकात हो गई है हमारी जनाब वली मोहम्मद अब्बासी साहब से। ये हैं वली मोहम्मद अब्बासी साहब, ये ख़ास औलाद में से हैं मियाँ सरफराज कलोड़ो बाबा की और सज्जादा नशीन हैं इस दरगाह के। और मैं आपको सिर्फ इनका ये तारुफ नहीं कराना चाहता कि ये इस दरगाह के सज्जादा नशीन हैं। सरफराज कलोड़ो बाबा कलोड़ा दौरो हुकूमत में सिंध के हुक्मरान थे, बलूचिस्तान तक का एरिया उनके ज़ेर नगीन था, पूरा सिंध और बलूचिस्तान का आधा हिस्सा। और अगर कलोड़ा दौरे हुकूमत चल रहा होता तो वली मोहम्मद अब्बासी साहब या इनके कोई बड़े भाई या कोई इस तरह आज सिंध के हुक्मरान होते हमारे। ये आपके सामने है, इनको आप सिर्फ सज्जादा नशीन न समझें, इनकी बहुत बड़ी नस्बत है कि ये हुक्मरान ख़ानदान से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिए वगैरह जलाए जा रहे हैं, ख़वातीन आती हैं यहाँ पे, और सरफराज कलोड़ो बाबा का और मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ो का फैज़ आज तक यहाँ पे जारी है और लोग इनके पास अपनी मन्नत मुरादे लेकर आते हैं और इनसे अपना हल तलब करते हैं। हम बात करते हैं मियाँ वली मोहम्मद अब्बासी साहब से और इनके ख्यालात जानते हैं इस बारे में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मसद भाई, सबसे पहले शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, और ये एक तारीखी मालूमात है जो हमारे लोगों तक सही तरीके से पहुँच नहीं पा रही। हज़रत शहीद मियाँ सरफराज 1730 में पैदा हुए, उनकी शहादत के बाद जो सिलसिला शुरू होता है 1775 में उनकी शहादत होती है। उनके थोड़ा अरसा वो सिंध के हाकिम भी रहे, बादशाह रहे सिंध के, और खुदा यार का लकब भी उनको मिला अपने वक्त में। तो वो बड़े वली तबीयत के इंसान थे, बादशाह अपने आप को नहीं कहलवाते थे, वो कहलवाते थे अपने खादिमुल फुकरा। सिंध के वो जितने भी अब हमारे बड़े थे वो अपने आप को लकब देते थे खादिमुल फुकरा। वो कभी भी ना उन्होंने महल बनवाए, उन्होंने जितनी भी जागीरें थी अपने मुरीदों में बांट दी। और वही वजह है कि जब मियाँ सरफराज शहीद हो गए, उनकी जोजा जो थी बीबी जानी बेगम, उन्होंने ये पूरी ज़मीन सरफराज कॉलोनी की मीरों मीर साहब के हुकूमत में जो है उन्होंने ख़रीद की और अपने ख़ानदान में वक्फ कर दी, वक्फ एलोयल। और उनके जो है सरफराज बाबा के शहादत के बाद जो है पल्लू भराई का सिलसिला जो शुरू किया गया वो बीबी मियाँ सरफराज की जोजा ने शुरू किया। वो भी बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की नस्बत से, वो भी ख़ास जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चैलम पे उनको जो है मुंतखब किया गया। जो सिलसिला कम से कम 200-250 साल हो गए वो सिलसिला जारी है, और हिंदुस्तान से आने वाले भाई मुसलमान जो है इस सिलसिले को उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है, जो जिसकी वजह से ये आज पूरे पाकिस्तान की लेडीज़ यहाँ पर आती हैं और मन्नत मांगती है और अल्लाह ताला उनकी जितनी भी मुरादें वो पूरी करते हैं। अब्बासी साहब, आपने ये बात कही, इसमें थोड़ी सी मैं तस्दीक करना चाहता हूँ कि हैदराबाद की आवाम जो इस आज रस्म यहाँ हो रही है उसको हम पल्ले भराई कहते हैं जी। आपने पल्लू भराई का है असल लकब सही। असल में मेरी उर्दू थोड़ी क्लियर नहीं है, असल में शुरू में जो सिंधी में
ये हम कहते थे सुखाऊ, सुखा मना एक मन्नत होती है पल्ले पे जो दुआ की जाती है। तो बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की नस्बत से बीबी साईं ने दुआ मांगी थी सरफराज बाबा की जोजा ने, और 1790 में उनकी वफात हो गई। उनके बाद जो सिलसिला सजा नशी का सिलसिला जो है हमारे बड़ों से आज तक चलता हुआ आ रहा है, जो मौजूदा मेरे बड़े भाई हैं मियां साजिद, और उनके बाद जो है ये सिलसिला जो है पूरा सेटअप में खुद संभालता हूँ। ये यहाँ दरगाह के बिल्कुल मेन गेट पर एक पुलिस का सिक्योरिटी कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस एहलकार मौजूद है, खवातीन पुलिस यहाँ मौजूद है, ये देख सकते हैं आप, और बाकायदा यहाँ पे सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर हमारी ड्यूटी जो लगाई गई है बाहुकुम एसएसपी साहब के हुक्म से, हमने अपनी ड्यूटी बाखूबी सर अंजाम दी है। यहाँ पर जो कुछ औरतें हैं जो कि वॉलेट्स वगैरह चोरी कर रही हैं, उन खवातियों को उनको पकड़ कर हम पीएस वुमेन पर लेकर जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह सरफराज बाबा के बाहर मेन रोड पर। यहाँ पे हर पल्ले भराई की रस्म के दौरान रात से ही एक जो है वो आरजी बाजार कायम हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। लोग मिठाइयों के स्टॉल लगाते हैं, यहाँ पे खिलौनों के स्टॉल यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, ये देख सकते हैं आप। कैसे दे रहे हो मिठाई? 400 रुपए किलो। क्यों सस्ती क्यों है ये? क्वालिटी में अच्छी नहीं है क्या? अच्छा बहुत है। हाँ ये भाई ने बताया कि बाबा का मेला है जिसकी वजह से जो है ये सस्ती दे रहा है 400 रुपए किलो, बड़ी बात है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये सभी वगैरह लगाई हुई आवाम ने, ये देखिए तिब्बी आजादी कैंप, ये देख सकते हैं आप, यहाँ सबील है, पानी पिलाया जा रहा है पब्लिक को, ये देखिए ये चूड़ियों के स्टॉल, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं हर वक्त किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए, ये आप देख सकते हैं। ये खाने पीने की अशिया के स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। ये मेन गेट मरकजी दरवाजा दरगाह में दाखिल होने का, ये आप देख सकते हैं। ये पुलिस का इमरजेंसी कैंप, उसके बाद ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये बुजुर्गाने दीन की एक खास रिवायत है कि अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अभी से ये स्टॉल लगना शुरू हो गए खाने पीने की चीज़ों के, मिठाइयों के, जो यहाँ तकसीम की जाएंगी, और ये कल रात तक या कल शाम तक तो लाजमी चलता रहेगा, और कल इस तमाम चीज़ों में इजाफा होगा। कब तक चलेगा? कल रात 10 बजे तक। तो कल रात 10 बजे तक यानी 24 घंटे से ज़्यादा ये आरजी बाजार चलेगा, और यहाँ पर हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये भी बाबा की एक करामत है, बुजुर्गाने दीन की करामत है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये देखिए आप, ये लेडीज कपड़े वगैरह भी स्टॉल लगाए गए हैं, ये देखिए कहाँ है आपका ये स्टॉल भाई, क्या हिसाब दे रहे हो कपड़े? ये टू पीस है, ये बताओ कितने का है? ये 1100। 1100 रुपए का टू पीस है। रियायत क्या है बाबा के मेले की वजह से? अच्छा चलो ठीक, ये बोले 1100 का है लेकिन मेले की वजह से 1000 का ये देंगे। अब जो लेना चाहे यहाँ आके देख सकता है, ये यहाँ पे बहुत खूबसूरत बहुत बड़ी जामे मस्जिद दरगाह सरफराज बाबा कलोड़ो, ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत मस्जिद, ये अपनी मदद आपके तहत बनाई जा रही है, इतनी बुलंद है कि मेरा कैमरा इसके मीनार को कवर करने से कासिर है, ये आप देख सकते हैं। ये इतनी बुलंद वाला मस्जिद है, बहुत ज़बरदस्त तामीरात, फन तामीर का शाहकार। आगे चलते हैं यहाँ से, क्या हिसाब दे रहे हो रेवड़ियां शेवड़ियां? कितनी होती है इसमें? ये आधा पाव का रेवड़ियों का पैकेट है और ये 160 रुपए का है।
ये यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी मौजूद है खवातीन के लिए। बस ये यहाँ पे बाबा की करामत है कि यहाँ पे जो मन्नत मानने आ रहा है उससे ये हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ ट्रांजेक्शन ऑफ मनी है, ये सर्कुलेशन है पैसे की, आप देख सकते हैं। देखिए फुकरा और खुदी, यहाँ तो ये हैदराबाद की एक बहुत कदीम रिवायत, ये हैदराबाद की एक बहुत कदीम रिवायत हमने बचपन में देखी थी। आज मेरे को यहाँ नजर आई है तो मैंने बोला कि चलो एक दोबारा बचपन की यादें ताज़ा करें। ये देखिए आपको ये बनाकर दिखाएंगे, इस साइड लाओ भाई, इस साइड लाओ, हाँ यहाँ ला के दिखाओ, ताकि ये देखिए इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, चिड़िया पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। अभी देखें क्या बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं। ये मुझे शायद लग रहा है कि हुक्का बना रहे हैं ये, हैं मगर ये देखिए आप महारत देखो इनकी किस तरह, हाँ ये देखो हुक्का बनाया जा रहा है, देखो जबरदस्त हो गया। देखिए आप बच्चों के बड़ों के सबके चेहरों पे खुशी देखें आज आप, ये सरफराज बाबा की करामत है। ये देखिए, ये देखिए आप किस कदर खूबसूरत, सिर्फ और सिर्फ ये एक मिनट से भी कम उसमें जबरदस्त, ये है स्किल, हुनरमंदी। बड़ी मेहरबानी भाई आपकी, थैंक यू थैंक यू। अब ये कोई खरीद लो, इससे कोई फायदा नहीं है, ले लो खरीद लो। एक मिनट चलते, ये देखिए यहाँ पे दरगाह पे चढ़ाने के लिए फूल वगैरह भी किए जा रहे हैं, ये यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज, ये देखिए आओ, पहले कोई रियायत भी दे रहे हैं यहाँ यहाँ ज़ायरीन को या नहीं? अच्छा ये 250 की चीज़ है, ये 200 में इसको सेल लगाई है इन्होंने, मैं देखी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखे, ये अभी जो मैंने कैंडी से आपको हुक्का बनवा के दिखाया है, ये हुक्का यहाँ पे मट्टी से बना हुआ भी मौजूद है, यहाँ पे हुक्के का ज्यादा जोर है, ये देख सकते हैं। अच्छा अच्छा वो डारे कार्य है, वहां से उड़ेगा नहीं। ये यहाँ पे कीचेन वगैरह बनाए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये नाम लिखवा के अपने, ये मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं और ये कीचेन बनाए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलानी वेलफेयर की तरफ से एक मेडिकल कैंप लगाया गया है, ये देख सकते हैं आप। चलते हैं यहाँ से आगे, ये आप देख सकते हैं जामिया अब्बासी मस्जिद, ये आप देखें, ये बहुत कदीम मस्जिद है, ये आपको मैं बताऊं, जामिया अब्बासी मस्जिद। इस मस्जिद के बिल्कुल अकब में मियां सरफराज कलोड़ो शहीद की एलिया जान बीबी, जिनके ये पल्ले भरे जा रहे हैं, उनकी हवेली मौजूद है और आज भी मौजूद है। यहाँ लोगों को इस बात का कोई इल्म नहीं है, इस मस्जिद के बिल्कुल अकब में एक पुरानी कदीम खंडर हवेली मौजूद है सरफराज बाबा की एलिया की, जिसमें वो रहा करती थी। Wait, wait, wait.
ये आपको नजर आ रहा है पूरी सरफराज चाड़ी, ये तकरीबन 1 किलोमीटर की चाड़ी है और इस पे मियां सरफराज कलोड़ों की दरगाह वाके है। आप देख सकते हैं ता हद निगाह, लाइटिंग ही लाइटिंग, लोग ही लोग, सर ही सर यहाँ पे। अब इतनी जगह है, सुबह यहाँ पे आपको पैदल चलने की जगह भी नहीं मिलेगी। क्या किलो दे रहे हो फूल? 50-100 जितने आपको चाहिए। अच्छा, असल में और ये जो पूरी चाड़ी है देखें आप, दोनों तरफ ये सरफराज चाड़ी है और ये रोड है जो हयात बाबा की दरगाह से आगे जाता है और ये बहुत तवील रोड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा रोड जाम है, हद निगाह, लोग ही लोग और स्टाल ही स्टाल लगे हुए हैं, स्टाल लगे हुए हैं। एक होटल को भी ले, ये है जीशा जीशान भाई, ये गुलाम नबी रिन साहब, ये वक्कास भाई। तो आप, मैं दरगाह का मुरीद हूँ, 43 साल हो गए मेरे को भी हाजिरी लगाते, पहले बड़े लगाते थे हम, हमारे जो बड़े थे इनके कमांडर थे, तो बलोचिस्तान थे, ईरान थे, हमारे आए हुए थे कदीमी, हम इनके मुरीद हैं, मियाँ नसीर ममन, मियाँ गुलाम शाह, मियाँ सरफराज और अभी गाजी नशीन है लाला साहिब, मियाँ वली मोहम्मद, अभी उनके साथ हैं। और यहाँ बहुत अकीदतमंद लोग आते हैं कराची से, पंजाब से, पूरे सिंध से। तो ये जो चल रहा है एक सिलसिला, इसको लाला वली मोहम्मद अब्बासी लेके चल रहे हैं सिलसिले को, बहुत अच्छे इंतज़ाम है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है और इंतज़ामिया भी बहुत प्रोटोकॉल कर रही है लाला वली मोहम्मद अब्बासी को। और हम चाहते हैं कि लाला वली मोहम्मद अब्बासी इसी तरह मेहनत करें और इंतज़ामिया का इसी तरह तावन रहेगा तो हर साल ये मेला इसी तरह चलता रहेगा। शुक्रिया। तो दोस्तों आज का ये बहुत ज़बरदस्त व्लॉग हमने बनाया है और इस वक्त हम मौजूद हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं हम सरफराज बाबा की दरगाह के बाहर होटल पे, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करें, चाय वगैरह पिए। हमारे साथ हैं ये आसिफ भाई, आज इन्होंने सारा मेरे साथ कोऑपरेट किया है, सारा दिन व्लॉग बनाने में इन्होंने मेरी मदद की है। आसिफ भाई कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा कि हमें सारा हासिल हुई है कि हमने इतने बड़े दरबार को शूट किया। तो जैसा कि आसिफ भाई ने बताया कि हमारे को बहुत ज़बरदस्त और अच्छा व्लॉग लगा है और आपको अगर ये व्लॉग कैसा लगा इसके बारे में अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा कमेंट्स में। और शेयर, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल असद व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।